अपनी ही एक मिसाल से समझा देता हूँ। 1998 में एक वक्त ऐसा बुरा था कि मेरे बच्चे 35-36 घंटों से भूखे थे। मैं परेशान था और मेरे पास 50 का एक नोट था और ताश में गेम होती है बैंक, कुछ लोग जो खेलते होंगे वो जानते होंगे, वो पैसों पर खेली जाती है। वो मैंने नई नई सीखी थी। परेशानी का वो आलम था कि आप सोच नहीं सकते। परेशानी इसलिए थी कि मैंने कहीं टीवी पर बैठ के जुमला बोला था कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूँ, लेकिन मैं भूख थैली पे रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं एवर न्यू स्टूडियो चला गया। कमरे में बैठ के ताश की गड्डियाँ हाथ में लेकर खुद ही अकेला फेंट रहा था कि इतने में बड़े ही सूरमा किस्म के खिलाड़ी आ गए और मैंने ताश खेलना शुरू कर दिया। 50 मेरी जेब में थे। एहतराम में वो पैसे जमा नहीं करते थे वरना मेरी पोल खुल गई होती। वो बैंक जो है, जिनको बैंक आता है, वो 2200 रुपये का हो गया। अगर मैं हारता हूँ तो मुझे 550-600 रुपया देना पड़ता जो मेरे पास नहीं था। और मैं जो सबसे नौजायदा बैंक खेलने वाला था, सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मैं बैंक जीत जाऊं। हुआ भी वही, दुआ कबूल हो गई और मैं बैंक जीत गया। मैंने रास्ते में 1 किलो गोश्त लिया बकरे का, डालडे का 5 किलो का डब्बा लिया, 1 मैंने तोड़ा लिया आटे का, चाय की पत्ती का डब्बा लिया और बच बचा के मेरे पास कुछ 700 से 750 के दरमियान पैसे थे। वो लेकर मैं घर पहुंचा। उस वक्त मैं 5 मरले के पोर्शन में रहता था जिसका 5000 रुपया किराया देता था और वो देना मुश्किल हो जाता था। तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मेरा बड़ा मशहूर ड्रामा है बूटा फ्रॉम टू बट एक सिंगर लंडा बाजार, उसका डायरेक्टर मेरे साथ था, वो सामान उसने उठाया हुआ था। तो मेरी बीवी ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया, कहती कहाँ से लाए हो ये पैसे। मैं डर गया। मैंने कहा जिंदगी में एक हराम माफ कर दे। उसने कहा नहीं खलील रहमान कुमार, खुदा की कसम मेरे बच्चे अगली रात भी भूखे रहे। वक्त थोड़े वक्त के लिए आया था बुरा, तो मेड होती थी हमारे घर में, आती थी काम करने के लिए। सुबह वो सारी चीज़ें और वो 700 और 750 के दरमियान जो पैसे थे उसको दिए गए। और खुशकिस्मती कि मेरा एक दोस्त उन दिनों मुझे 200 रुपया रोज़ का दे के जाता था, वो आ गया और उसने मुझे 200 रुपया दिया और हमने अगले दिन कुछ खाया पिया। इन बातों को गौर से समझिएगा, शायद जहाँ अल्लाह ने आज मुझे पहुँचाया है मैं इस पर इतना प्राइड नहीं लेता जितना उस दिन भूखा रहने का लेता हूँ। उस दिन मैंने रखा था रोज़ा और वो रोज़ा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल चल रहा है।